नई गढ़ी सचिव संघ ने सामूहिक रूप से काम बंद हड़ताल की घोषणा की है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सरपंच पुत्र और उनके सहयोगी पर FIR दर्ज नहीं होगी, तब तक सामूहिक अवकाश पर रहकर कार्य का बहिष्कार करेंगे। वहीं जनपद पंचायत CEO शैलेश पांडे ने भी नई गढ़ी थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। मामला नई गढ़ी जनपद पंचायत के जोरौट ग्राम पंचायत का है, जहां के सचिव नारायण देव तिवारी ने बताया कि उनके ऊपर जोरौट ग्राम पंचायत की नव निर्वाचित सरपंच के पुत्र एवं उनके साथियों द्वारा प्राणघात हमला किया गया, जिसकी शिकायत उनके द्वारा नई गढ़ी थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक दोषियों के खिलाफ FIR नहीं हुई। सचिव नारायण देव तिवारी ने बताया कि CM हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी, जिसके निराकरण के संबंध में जिला पंचायत रीवा पहुंचे थे। शाम करीब 8:50 पर GRS विजय कुमार पांडे के साथ वापस लौटते समय उनके ऊपर रास्ता रोककर प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया गया। वह किसी तरह वहां से भागकर जान बचाई, अन्यथा आरोपी जान से मार देते, जिसमें दो लोगों की पहचान की गई है, जिनका नाम सुरेंद्र सेन एवं दिनेश तिवारी बताया जाता है। बाकी उनके कई साथी थे, जिसकी शिकायत नई गढ़ी थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक थाने में FIR दर्ज नहीं हुई और ना ही पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गई। अब नई गढ़ी जनपद पंचायत के सचिव संघ ने सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार कर छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में लोगों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लड़ाई का क्या अंजाम होगा, सचिव संघ अपनी हड़ताल कब समाप्त करेंगे और लोगों के काम कब प्रारंभ होंगे। हमारे सचिव साथी के साथ हमला करने का प्रयास हुआ, गाड़ी से पीछा हुआ, एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई, किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाया। ये परसों की रात की बात है, परसों इन्होंने थाने में आवेदन दिया था। अभी 3 दिन गुजर रहे हैं, अभी तक यहाँ के TI द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, न FIR दर्ज की गई। हम लोग उससे बहुत व्यथित थे, 2-3 बार थाने आ चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, काम का बहाना बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। आप नई गढ़ी सचिव संघ के अध्यक्ष हैं? जी हाँ। जनपद CEO ने भी पत्र लिखा है नई गढ़ी थाना पुल प्रभारी को FIR दर्ज करने के लिए, उसके बाद आज आप आए, क्या बात हुई थाना प्रभारी महोदय? थाना प्रभारी को मैंने उनका जनपद CEO का चिट्ठी दिया और जिला पंचायत CEO साहब से भी फ़ोन पर TI की बात करवाई। SP साहब को उसके बाद भी मैडम ने कहा कि हमें अभी इतना जल्दी हम मुकदमा कायम नहीं करेंगे, ना तो FIR दर्ज करेंगे, जब हम जांच करवा लेंगे। और मैंने ये भी कहा कि समय कितना लगाएंगी आप, यथा नियत समय बता दीजिए कि कब तक आप कार्रवाई करेंगे। उन्होंने समय बताने से भी इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि उनकी नियत FIR दर्ज करने की और कार्रवाई करने की नहीं है। पत्र के माध्यम से CEO जनपद को चिट्ठी दिया था कि 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं होता है, तो हम लोग सामूहिक बहिष्कार करेंगे। और आज वो तिथि खत्म हो गई है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अतः हम लोग अपने अल्टीमेटम पे कायम हैं और हम सामूहिक अवकाश पे जा रहे हैं।